लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आमिर खान की पॉपुलर फिल्म लगान के ईश्वर काका उर्फ श्रीवल्लभ व्यास का लंबी बीमारी के बाद रविवार को जयपुर में निधन हो गया। कुछ साल पहले एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत काफी खराब थी और वे सिर्फ लिक्विड डाइट ही ले रहे थे। 2013 में उनकी फैमिली इलाज के लिए जैसलमेर से जोधपुर शिफ्ट हुई थी। उनकी वाइफ शोभा व्यास के मुताबिक सिने और टेलीविजन एसोसिएशन ने भी उनकी मदद नहीं की थी। शोभा के मुताबिक इस कठिन समय में आमिर खान ने हमें फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट किया। उनकी मदद की वजह से ही हम जयपुर में 3 बेडरूम के मकान में किराए पर रह पाए। हर महीने की पहली तारीख को मेरे खाते में उनके 30,000 रूपए जमा हो जाते थे। आमिर मेरी बेटियों की स्कूल फीस और श्रीवल्लभ के मेडिकल का खर्च भी दे रहे थे। आमिर के अलावा इस मुश्किल घड़ी में एक्टर इमरान खान और मनोज वाजपेयी ने भी श्रीवल्लभ व्यास की मदद की थी। अक्टूबर 2008 में श्रीवल्लभ गुजरात के राजपीपला में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान होटल के बाथरूम में गिर गए थे। सिर में गहरी चोट की वजह से वे बेहोश हो गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद क्रू मेंबर्स उन्हें लेकर वडोदरा रवाना हो गए। वहां हॉस्पिटल में उनके सिर का ऑपरेशन किया गया।